अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर वसीम। आज एक नई इनोवेटिव किस्म की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं ज़्यादातर वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और वीडियो एडिटिंग या मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना रहा हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम आपको ये बताएँ कि किस तरीके से वो मेरे दोस्त या वो स्टूडेंट्स जो कि एमएस या पीएचडी कर रहे हैं या बैचलर कर रहे हैं और उनको अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर ऐसे होता है कि आप जब नेट के ऊपर अपने मुतलका रिसर्च पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो रिसर्च पेपर आपको नहीं मिलते या नहीं डाउनलोड हो पाते। हाँ, एक तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो मतलूबा रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो चले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मतलूबा रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर लेटेस्ट 2020 ईयर्स के कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। मैं जो है ना वो वक्त ज़ाया नहीं करता और डायरेक्ट हम जाते हैं अपने गूगल ब्राउज़र के अंदर। जब आप इसके अंदर चले जाएंगे ऊपर जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे google.com। ठीक है जी। अब जो भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, गूगल स्कॉलर को फॉलो करें। गूगल स्कॉलर के अंदर यहाँ पर आप लिख लें गूगल स्कॉलर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। तो गूगल स्कॉलर बेसिकली जो है ना वो एक किस्म की वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप मुख्तलिफ किस्म के जो रिसर्च पेपर हैं वो देख सकते हैं। लेकिन बार दफ़ा ऐसे होता है कि ये रिसर्च पेपर जब आप देखते हैं तो ये आपको डाउनलोड नहीं होते। तो आज की जो है ना वो वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि कैसे आपने इन रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करना है ताकि आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं माइमो एंटीना। ठीक है ना जी। माइमो एंटीना को क्लिक करते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक साइट पर देखें तो आर्टिकल्स यह लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जी सिंस 2020 के आपको चाहिए, 2019 के चाहिए, 2016 हम कहते हैं जी हमें 2019 वाले चाहिए, यानी उस डेट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये आपको 1, 2, 3, 4 ये जो रिसर्च पेपर शो कर रहा है। इसके अलावा और भी हैं नीचे काफ़ी सारे, लेकिन आप ये ध्यान में रखें जो टॉप वाले होते हैं वो रैंकिंग के अंदर टॉप में होते हैं। तो आप इसमें से वो रिसर्च पेपर चूज़ करेंगे जो कि आपकी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो क्या होगा जी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पर ना तो ये इसको फुल खोलेगा, यानी उसकी ना तो पीडीएफ फॉर्म खोलेगा, बल्कि इसको ये IEEE एक्सप्लोरर के अंदर ये ओपन कर देगा जिसके अंदर आप पूरी तरह नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। अब हम वापस चलते हैं अपनी उसी टैब के ऊपर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे एक चीज़ लिखी हुई है साइटेड। ठीक है ना जी। आपने क्या करना है, इसको साइट कर देना है। जब आप इसको साइट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ना ये फॉन्ट लिखे हुए हैं, आपने कौन से फॉन्ट के अंदर इसको सेलेक्ट करना है। तो आप इसको शिकागो के अंदर जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, तो कॉपी करके इसको क्रॉस कर दें। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप क्या करें, कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद न्यू टैब के अंदर जाना है। न्यू टैब के अंदर आपने लिखना है दोबारा google.com। लिख के आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट बताता हूँ, उसका नाम है SCI Hub। ठीक है ना जी। जब आप SCI Hub के ऊपर जाएंगे तो उसमें टॉप के ऊपर जो पहली वेबसाइट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके पास सामने खुलकर आ जाएगा। ये इस पेज के ऊपर टॉप के ऊपर ये आप पढ़ रहे हैं, टॉप के ऊपर लिखा हुआ है जी ये आपके पास टू रिमूव ऑल बैरियर्स इन द वे ऑफ साइंस, यानी साइंस के अंदर जो भी रुकावटें हैं ये दूर करेगा। अब यहाँ पर हमने वही लिंक जो वहाँ पर हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करके इसको ओके कर देना है, यानी येस कर देना है। जब आप इसको येस करेंगे तो ये जो वेबसाइट है SCI Hub ये क्या करेगी, इस रिसर्च पेपर को PDF फॉर्म के अंदर आपको शो करवाएगी। तो इंस्टेंटली आप फिर क्या करेंगे, इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं या PDF फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अभी डाउनलोडिंग के मरहल के अंदर है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हमारे यहाँ हर तरफ रहता है, स्लो रहता है,
लेकिन खैर फिर भी ये बहुत जल्दी तरीके से जो है ना ये हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है और ये देखें अब ये कह रहा है जी एन एक्सट्रीमली लो प्रोफाइल वाइड बैंड माइमो एंटीना फॉर 5G स्मार्टफोन। देखें ये किसी चाइना के ऑथर ने लिखा हुआ है, IEEE का 2019 का ये 5G के ऊपर जो है ना ये रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। आपने ये सारा रिसर्च पेपर यहाँ से पढ़ लेना है, अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो है ना वो डाउनलोड भी डायरेक्ट करना शुरू कर देगा, या आपसे बात पूछेगा आप किस जगह पे इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे उसने पूछ लिया सेव एज आप कहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि जी हम जो है ना वो इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको सेव कर देंगे। अल्टीमेटली क्या है जी ये आपके पास सेव होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पर आपको ये प्रैक्टिकल करवाने का मकसद ये था कि जिन लोगों को रिसर्च पेपर डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आती है वो किसी भी जगह से लिंक उठाकर उसको sci-hub.tw के अंदर डाल कर पेस्ट कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली PDF फॉर्म में वो रिसर्च पेपर मिल जाएगा, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हुआ तो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिनको पसंद आई है दोस्तों वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दो और साथ छोटा सा घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। शुक्रिया।